कश्मीर में सीआरपीएफ जवान के साथ बदसलूकी को बयां करने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद देश भर में आम लोगों में गुस्से की लहर होना स्वाभाविक है। यह अच्छा हुआ कि आम लोगों के आक्रोश के साथ साथ क्रिकेटर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी तरह से तीखे रूप में इसकी अभिव्यक्ति की। इस वीडियो को देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। केवल वही शख्स अब विचलित रह सकते हैं जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों के मान सम्मान की कोई परवाह ना हो। इस वीडियो ने एक और जहां दिखाया है कि गुमराह कश्मीरी युवक किस हद तक दुस्साहसी हो सकते हैं, वही ये भी रेखांकित किया है कि हमारे जवान अपमान का घूंट पीते हुए किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इन सबके बावजूद अदालतों से लेकर राजनीतिक दलों की ओर से उन्हें ही संयम में रहने की सीख दी जाती है। कुछ राजनीतिक दल तो उपद्रवी तत्वों की खुली हिमायत करते भी नजर आते हैं। अभी चंद दिनों पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला पत्थरबाजों की गिरफ्तारी करने में जुटे हुए थे। राजनीतिक दलों की भारी भीड़ में से शायद ही कोई नेता ऐसा रहा हो जिसने फारूक अब्दुल्ला को लताड़ लगाई हो। क्या इससे अधिक दयनीय और दुखद कुछ और हो सकता है कि संसद में पैलेट गन पर तो हंगामा हुआ, लेकिन कश्मीर घाटी में धंधा बन गई पत्थरबाजी पर मौन साधे रहने में ही लोगों ने अपनी भलाई समझी। कश्मीर घाटी से रह रहकर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जो ये बताते हैं कि हमारे जवान और सैनिक जोखिम के साथ साथ ही जलालत का सामना करने को भी मजबूर हैं। अच्छा होगा कि कश्मीर के गंभीर होते हालात को लेकर भारत सरकार जल्द चेते, कश्मीर घाटी में सक्रिय जिहादियों और पाकिस्तान परस्त तत्वों को महज नाराज कश्मीरियों के तौर पर देखा जाना एक तरह से जानबूझकर सच्चाई से मुंह मोड़ना है। अब समय आ गया है कि सच का सामना किया जाए और वो भी पूरी पूरी दृढ़ता के साथ।